कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय की गारंटी दे रहा है। कांग्रेस ने आज अपनी घोषणा पत्र जारी की है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मौजूद है। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है मैम। कई गारंटियां न्याय पत्र कहा जा रहा है, क्या लगता है कितना प्रभाव लोगों पर पड़ेगा इसका? न्याय पत्र गारंटी दे रहा है, ये मोदी जी की झूठी गारंटी नहीं है। आज उन्होंने क्या गारंटी दी है? पुरानी बात तो बताएं, जो गारंटी पहले देती थी, लोग क्यों इन पर विश्वास करें? कहाँ गए रोजगार, कहाँ महंगाई खत्म हुई है, कहाँ महिलाओं की आंखों से आंसू पोंछे हैं आपने, कहाँ भ्रष्टाचार कम किया है आपने, कहाँ काला धन वापस लेकर आए हैं आप? इन सब बातों का पहले जवाब दें और पहले वो गारंटी का बताएं कि उनका क्या हुआ। आगे की बात पर कभी देशवासी इनका विश्वास नहीं कर सकते। एक LGBTQIA+ का भी जिक्र है इस मैनिफेस्टो में, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हर वर्ग को जिसको दबाया जाता है या जिसको न्याय नहीं मिलता है किसी भी हिसाब से, कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। सबको न्याय देना चाहिए, समाज में सबकी सम्मानजनक जगह होनी चाहिए, हर नागरिक को सम्मान मिले, इसलिए कांग्रेस पार्टी हर वर्ग का ध्यान रखेगी। लोकतंत्र को लेकर लगातार कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है राहुल जी, कांग्रेस खतरे में है, किस तरह देखते हैं इसे? कांग्रेस मेहनत करती है, आगे बढ़ती है। कांग्रेस ने पहले भी चुनौतियों का सामना किया और हमारे ना नेता डरे हैं और ना दबे हैं। राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। खड़गे जी जिस तरह से बेबाक बोलते हैं, इन्हें चुनौती देते हैं, आज इनको चुनौती देने वाला कोई है नहीं और ये इस बात से घबरा गए हैं कि सच्चाई और आईना इन्हें दिखाया जा रहा है। आज अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले जब कांग्रेस में लोग होते हैं तो कहते हैं ED CBI तमाम चीजें कही जाती है, वहीं एक बार भाजपा में जब आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और साफ हो जाती है, किस तरह देखते हैं? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर दफ्तर में वॉशिंग मशीन लगा दी गई है और इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन लगा दी गई है। तो ये लोगों को पहले दबाते हैं, कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उनको अपनी तरफ लेने का दबाव देते हैं और फिर उनको वॉशिंग मशीन में से डालकर वॉशिंग पाउडर निर्मा। एक आखिरी सवाल, आज CEC होने वाली है कांग्रेस की, हरियाणा को लेकर कहा जा रहा है चर्चा होगी, आपका भी नाम है जिक्र कहा जा रहा है कि अम्बाला से, या एक और सीट है जहाँ से आप लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं? ये पार्टी फैसला करेगी, हाईकमांड फैसला करेगा कि किसको कहां से लड़ाना है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये सारा फैसला हाईकमांड करती है और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जो फैसला वो हमारे बारे में करेंगे हम मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेते हुए एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज दिल्ली।